मूल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। राग आशा भजन 99। समय सफल कर सारा सारा। समय सफल कर सारा सारा। हरि सुमरो हरि वारा मैं वारी जावा। हरि सुमरो हरि वारा मैं वारी जावा। समय सफल कर सारा सारा। मनुष्य जन्म का समय अमोलक। इनके समना मोती माणिक। संतन एह उचारा मैं वारी जावा। वारी जावा सरल कर सारा सारा। द्रव्य गया तो कुछ ना होया। गई तंदुरुस्ती ता कुछ खोया। समय गए सब हारा मैं वारी जावा। हारा समय सफल कर सारा सारा। गया समय फिर हाथ न आवे। कोई कितना भी पल लावे। तांते जप कर तारा मैं वारी जावा। कर तारा समय सफल कर सारा सारा। समय बिताओगे तुम जैसे त्यों बन जाओगे तैसे। कर ले श्रेष्ठ आचारा मैं वारी जावा। आचारा समय सफल कर सारा सारा। समय सफल कर सारा सारा। राग आशा भजन 89। समय सफल कर सारा सारा। हरि सुमरो हरवारा। ठीक। इस भजन में श्री गुरु महाराज जी अमोलक मनुष्य शरीर अमोलक श्वास अमोलक श्वास समय उनकी महिमा बताकर जिज्ञासु को उपदेश दे रहे हैं कि परमात्मा के नाम जप में अपने समय को सफल करो। मनुष्य जन्म का समय अमोलक। इसके समना मोती माणक। संसार का वैभव त्रिलोकी का वैभव एक तरफ और मनुष्य शरीर के श्वासों की कीमत एक तरफ। तो मनुष्य शरीर के श्वास ज्यादा कीमती हैं। उसके समान दुनिया का वैभव मोती माणक सोना चांदी हीरे जवाहरात उनकी कोई कीमत नहीं। यही संतों की वाणी बार बार पुकार कर कहती है। द्रव्य गया तो कुछ ना होया। अगर धन चला गया तो ऐसा नहीं कि सर्वस्व समाप्त हो गया। लेकिन गई तंदुरुस्ती ता कुछ खोया। शरीर की निरोगता अगर चली गई
व्याधि बीमारी आ गई तो समझ लो कि कुछ नुकसान हो गया, क्योंकि शरीर धर्म का साधन है। शरीर में अगर व्याधि आ गई तो उस शरीर के द्वारा भजन करने में परेशानी रुकावट पैदा होगी। समय गए सब हारा, अगर समय तुम्हारे हाथ से चला गया, मनुष्य शरीर का सुंदर समय, दुर्लभ समय हाथ से निकल गया तो सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं बचा। गया समय फिर हाथ ना आवे, जो समय बीत गया है वो फिर से वापस मिलने वाला नहीं। कोई कितना भी बल लावे, कितना भी बलवान बलशील चाहे कि मुझे अपना खोया हुआ समय वापस मिल जाए तो उसे मिलने वाला नहीं। तांते जप कर तारा, इसीलिए उस ईश्वर के नाम का स्मरण करो। समय बिताओगे तुम जैसे टेहूं बन जाओगे वैसे। जैसे जैसे तुम्हारा समय गुजरेगा, जिन कामों में जिन विचारों में समय गुजरेगा, वैसी वैसी मन के स्वरूप की निर्मिति होगी। पाप कर्म अशुभ विचार में समय बीतेगा तो मन दुष्कर्मों की तरफ लगने वाला, दुख पहुंचाने वाला हो जाएगा। शुभ कर्म शुभ विचार सत्संग नाम जप में अगर मन लगेगा तो मन भी पवित्र हो जाएगा। कर ले श्रेष्ठ आचारा, सुंदर व्यवहार श्रेष्ठ व्यवहार करके अपने जीवन को सफल बनाने की प्रेरणा इस मधुर भजन में श्री गुरु महाराज जी दे रहे हैं। रापुर बाणी पढ़ तुम प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु, महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में, सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार, वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार, सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, उर मंथन से प्रगटिया
ग्रंथ प्रेम प्रकाश अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश पंथ आपका अमर है और अमर है धाम ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेउ राम अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी हिंदी अमरापुर वाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।